हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। इन केस यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वांट टू टेल यू दैट आई डू मैथमेटिक्स वीडियो फॉर हायर क्लासेस। प्रेजेंटली वी आर स्टार्टिंग मॉडर्न अलजेब्रा। आई हैव मेनी वीडियोस ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑन माय चैनल। सो इफ यू वांट टू वॉच, डू विजिट माय चैनल फॉर दोज वीडियोस। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज we want to prove, we want to know is D4 is isomorphic to Q8. You know D4 is a group, D4 is a dihedral group, okay, and D8 is quaternion group. D8 group B we have studied, D8 Q8, this is quaternion group. And we want to check whether these groups are isomorphic or not. So for that, we should know what are isomorphic groups. This is a symbol of, we want to prove, are these groups isomorphic? So we know that isomorphism we have already studied in our previous videos. So if G and G dash are two groups, okay? If G and G dash are two groups and we want to show these are isomorphic to each other, that means if there exist, because G and G dash are two sets, if there exists any 1-1 onto mapping between G and G dash, okay, 1-1 onto mapping means क्या हो रहा है वहां पे, जो उसके number of elements है वो same हो, है ना। अगर ऐसे 1-1 onto हर element में map कर रहा है और क्या वो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो, तो ऐसे केस में वो दो ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। उन दो ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। लाइक आपको पता है ZN एक ग्रुप है। ZN क्या होता है, 0, 1, 2 अप टू सोन N-1। ओके, सो ZN जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, सो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप होगा सेम ऑर्डर का, That means that वो जो ग्रुप होगा वो ZN के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, सो एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू ZN। कभी भी हम कहीं पे भी सब ग्रुप्स बनाएंगे या ग्रुप्स बनाएंगे और हम ये देखें कि वो जो ग्रुप आ रहा है वो प्राइम ऑर्डर का है ना, तो हम कहेंगे प्राइम है, दैट मीन्स वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ZN के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, सिमिलरली अगर कोई ग्रुप है नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप, अगर कोई है 4 ऑर्डर का, तो वो K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। K4 कौन सा ग्रुप है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, डिटेल में हम K4 को स्टडी कर चुके हैं। सो प्लीज विजिट माय चैनल फॉर दोज वीडियोस एज वेल। अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं अच्छे से विद एग्जाम्पल्स, तो विजिट दीज। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग D4 एंड Q8 ग्रुप्स। नाउ वी नो व्हाट आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। सो आइसोमॉर्फिक ग्रुप के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले हम ये देखते हैं। डी एन ग्रुप डिटेल में हमने पढ़ा है, बट वी हेयर वी नो दैट ऑर्डर ऑफ D4 क्या होता है, 8 होता है। डी एन का ऑर्डर 8 होता है, तो ऑर्डर D4 का भी 8 है और ऑर्डर जो है वो Q8 का भी क्या है, 8 है, दोनों का 8 है। D4 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है D4 ग्रुप, D4 ग्रुप यही होता है X square क्या होता है, आइडेंटिटी, या फिर और इसमें y^4 भी क्या होता है, आइडेंटिटी। और क्या होता है, y^2 xy square xy cube, यही होता है D4 ग्रुप। ओके, सो D4 ग्रुप में हमें ये हम देख चुके हैं कि ये एलिमेंट का, इन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की वीडियो। सो अब यहाँ पे हमें पता है ऑर्डर ऑफ X क्या होता है, X का ऑर्डर 2 होता है। 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये 2 ऑर्डर का है और ये 2 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स xy^r के सारे एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो ऑर्डर ऑफ X आई कैन राइट हेयर ओनली, ऑर्डर ऑफ X इज 2, ऑर्डर ऑफ xy इज 2 2 2। Dn में n ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर n आपका क्या है, इवन है, तो n+1 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे जो ये बीच वाला एलिमेंट्स होता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2। ओके, सो ये है ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स, ये है ऑर्डर 1 का एलिमेंट, एक ही होता है, दैट इज आइडेंटिटी। और ये जो एलिमेंट्स बचते हैं,
इनका ऑर्डर क्या होता है, डी फोर है, डी फोर के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1, 2, 4, है ना। जो ये एलिमेंट्स है ये किसके हैं, 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स है। ओके, डिटेल में अगर आपको समझना है तो प्लीज वॉच दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स वीडियो। ओके, सो ये है आपका डी फोर, ये एलिमेंट्स के ऑर्डर मिल गए हमें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो डी फोर है दैट इज नॉन अबेलियन, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन मीन्स जो इसके एलिमेंट्स है वो आपस में कम्यूट नहीं करते। कम्यूट नहीं करते मीन्स कि अगर आप किसी भी, क्या होता है ये रेगुलर पॉलीगन्स की सिमेट्री का ग्रुप होता है, इफ यू आर अप्लाइंग रोटेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम सिमेट्रीज देखते हैं, कौन कौन सी, रोटेशन देखते हैं और रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अगर हम किसी एलिमेंट पे क्या कर दें, पहले रोटेशन करें फिर रिफ्लेक्शन करें, ओके, या तो हमने क्या किया, पहले रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन, वाइज आर रोटेशन एंड एक्स आर रिफ्लेक्शन, दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्शन, पता है ना। सो पहले हम क्या कर लें, रोटेशन करें फिर रिफ्लेक्शन करें, और या फिर पहले रिफ्लेक्ट करके फिर रोटेट करें, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं आती ये दोनों सिमेट्रीज। ओके, सो दिस इज नॉन अबेलियन, है ना। सो आपको पता है दैट साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, सो नॉन अबेलियन इंप्लाइज नॉन साइक्लिक, है ना। और हमें ये भी दिख रहा है कि ये जो ग्रुप है किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, दैट मींस दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो ये साइक्लिक ग्रुप ही नहीं है एंड दिस इज नॉन अबेलियन, सो दिस इज नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप। ओके, हमने इसके एलिमेंट्स भी देख लिए, एलिमेंट्स का ऑर्डर भी देख लिया और इसका ऑर्डर भी देख लिया, और दीज आर, दिस ग्रुप इज नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट वी कम टू Q8। अब आइसोमॉर्फिक होने के लिए Q8 को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, है ना। अब Q8 भी क्या है, Q8 क्या है बताइए, Q8 है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस j प्लस माइनस k, ये ग्रुप है। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, i डॉट j इज इक्वल टू k, है ना, और j डॉट i इज इक्वल टू माइनस k। सो i डॉट j इज नॉट इक्वल टू j डॉट i, सो दिस ग्रुप इज ऑल्सो नॉन अबेलियन, ये भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। ओके, एंड ऑन द सेम टाइम ये नॉन अबेलियन है, दैट मीन्स नॉन साइक्लिक है। एंड सिमिलरली हम यहां भी देख सकते हैं कि ये किसी एक एलिमेंट से नहीं जनरेट हो रहा, दैट मीन्स दिस इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो दिस ग्रुप इज नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 1 है, है ना। ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इज, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि माइनस, इनको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हाउ मेनी टाइम्स हम ऑपरेट करें, कितने टाइम ऑपरेट करें, दैट वी शुड गेट आइडेंटिटी। ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू ऑपरेट माइनस 1 टू गेट 1, 2 टाइम्स। ओके, सिमिलरली वी नो आयोटा वी हैव आई रेज टू पावर 2 इज माइनस 1 एंड आई रेज टू पावर 4 इज 1, सो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज ऑल्सो इक्वल टू 4, है ना। सो दोनों आयोटा माइनस आयोटा, जे माइनस जे, के माइनस के, इन सबका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे किस ऑर्डर के हो गए, 4 ऑर्डर के, ओके, ऑर्डर 4 के हो गए, बट यहाँ पे एक दो एलिमेंट है बस ऑर्डर 4 के। ओके, यहाँ पे एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के। सो अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर ऐसे इक्वल नहीं है, दैट मींस दीज टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ओके, सो D4 और Q8 हमने देखा पूरा कि ये क्या ग्रुप्स है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके, और टेलीग्राम पे विजिट कीजिए डॉक्टर उपासना बहुजा तनेजा, एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।